कोतवाली पुलिस की अनोखी पहल बनी चर्चे का विषय, जहां स्वयं कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे द्वारा हेलमेट लगाकर दो पहिए वाहन चालकों के पुष्पहार पहनाकर किया गया स्वागत। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस द्वारा जहां एक और बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों और व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं 3 दिवस में 200 से अधिक दो पहिए वाहन चालकों के खिलाफ बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाने पर कार्रवाई की गई तथा 50,000 से अधिक रुपए का शुल्क वसूला गया। सिंगरौली पुलिस बिना हेलमेट वाहन चालन करने वाले दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चला करके इस बात का प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति जो बाइक में सवारी कर रहा है, चाहे वो वाहन चलाने वाला हो चाहे उसके साथ में पीछे बैठने वाला व्यक्ति हो, हर हाल में हेलमेट को धारण करे। देश में आज सर्वाधिक जो मौतें हो रही हैं रोड एक्सीडेंट के कारण हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख जो मौतें पूरे भारत में हो रही हैं उसमें लगभग 70% जो मौतें हो रही हैं वो दो पहिया वाहन चालकों की बिना हेलमेट लगाने के कारण मृत्यु हो रही है। तो हम इस मृत्यु की दर को रोक सकें, कम कर सकें और आम आदमी के जीवन को बचा सकें, इसके लिए लगातार हेलमेट पहनने के लिए न केवल हम अभियान चला करके चालानी कार्यवाही कर रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। मैं इस अवसर पर सिंगरौली ज़िले के आम जन से अपील करूंगा कि आपका परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी भूमिका आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन आपके लिए और आपके समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी घर में से बाहर निकलें हर हाल में हेलमेट धारण करें, बिना हेलमेट के स्वयं वाहन नहीं चलाना है और किसी व्यक्ति को भी अपने पीछे भी बिना हेलमेट के नहीं बिठाना है। निश्चित रूप से अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो जो वर्तमान में मौत का आंकड़ा रोड एक्सीडेंट के कारण बढ़ रहा है उसमें काफ़ी गिरावट आएगी और हम आम जन को बचा पाएंगे। इस अवसर पर मैं ये अपील करता हूँ कि सभी लोग हेलमेट पहन करके ही अपने घर से निकलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।